हेलो दोस्तों, मेरे पास एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस तरह के सभी नोटों पर ये वचन लिखा हुआ होता है, तो इस वचन का क्या मतलब होता है? बहुत सारे इंटरव्यू में ये कंपनी में ये प्रश्न कई बार पूछा गया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आखिर इस वचन का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक भारत रिजर्व बैंक है, जो कि 1 रुपए के नोटों को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग की छपाई करता है। 1 रुपए के नोटों पर भारत की फायर सिक्योरिटी की हस्ताक्षर होते हैं। सभी की दूसरे नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सन 1935 से पहले करेंसी की छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत की गई। सरकार हेड ऑफिस मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के आधार पर करेंसी मैनेजर रोल दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देते हैं। भारत में नोटों की छपाई का काम मिनिमम रिजर्व की सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ये सिस्टम भारत में 1957 से लागू की। इसके अनुसार रिजर्व बैंक के अधिकार है कि वो RBI फर के रूप कम से कम 200 करोड़ के मूल्य की प्रॉपर्टी अपने पास हर समय रखे। 200 करोड़ का में 115 करोड़ रुपए का सोना और बाकी 75 करोड़ की विदेशी प्रॉपर्टी रखना जरूरी होता है। इतनी प्रॉपर्टी रखने के बाद RBI देश के जरूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोटों की छाप कर सकती है। हालांकि इसके लिए सभी प्रकार की परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए अपने प्रश्न में आते हैं। मैं धारक को 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये या 100 रुपये या 2000, 200 रुपये या 500 रुपये या 2000 रुपये अदा करने का वचन में देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कथन इसलिए प्रिंट करता है क्योंकि वो जितने रुपए की वो नोट छापता है उतने रुपए का वो सोना भी उसे अपने पास रखता है। तो वो धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए ये कथन लिखता है कि अगर उसके पास 100 रुपये का नोट है, इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 100 रुपये का सोना रिजर्व है। इसी तरह से दूसरे नोटों पर भी ये लिखा होने का मतलब ये है कि जो नोट आपके पास है, आप उस नोट के धारक हैं और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व के पास सेव कर रखा हुआ है, और रिजर्व बैंक का वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। RBI 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इसलिए रखता है कि ताकि नोट पर रिजर्व बैंक की गवर्नर की शपथ की मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मैं इसके निभाया जा सके सके किसी भी परेशानी जैसे कि सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, ये कोई भयानक, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा महंगाई में भी ये RBI को घोषित नहीं किया जा सकता। घुमा फिरा के बोलें तो जिसके हाथ में ये शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का नेतृत्व RBI का है। किसी कारण कोई आदमी सही नोट को लेने से मना कर देता है तो उसका सही मतलब यह है कि RBI के गवर्नर मतलब सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा, मतलब ये हुआ कि कानून को तोड़ रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे नोट पर लिखे हुए इस वचन का क्या मतलब होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, और अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कीजिए। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।